हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था लास्ट वाले व्लॉग में कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी प्रेम मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना ज़्यादा शानदार और खूबसूरत है। इस मंदिर को श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था, और जैसा कि इसका नाम है प्रेम मंदिर, ये राधा जी और श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और हमें पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात, क्योंकि हम बांके बिहारी जी के दर्शनों के बाद ही इस मंदिर में गए थे। पर जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर आप वृंदावन जाएं तो इस मंदिर को ज़रूर 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 देखें। और हम आए हैं अभी प्रेम मंदिर, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, अभी भी काफ़ी भीड़ है। ये है मंदिर का फ्रंट व्यू, और ये मंदिर बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। जब आप मंदिर में मेन गेट से एंटर करते हैं तो सामने आपको यही व्यू दिखता है। आगे जाके राइट जब हम लोग जाते हैं तो मंदिर के इनर जो एंट्रेंस है वो वाला गेट स्टार्ट होता है, और बहुत ही सुंदर सजाते हैं लोग मंदिर को डिफरेंट डिफरेंट लाइट से। और वहाँ पर पास में हो रही थी कृष्ण जी का कीर्तन या कोई झांकी निकल रही थी, जहाँ पर हम लोगों ने डांस किया, खूब इन्जॉय किया सब लोगों के साथ मिल के। एक तरफ निकल रही थी कृष्ण जी की झांकी, और वहीं दूसरी तरफ एक 3D शो चल रहा था। उसमें शायद ये लोग पानी और लाइट से कोई 3D पिक्चर्स क्रिएट कर रहे थे श्री कृष्ण जी की जीवन से रिलेटेड, बहुत ही सुंदर सुंदर, गोपियों के साथ, कभी कान्हा जी के साथ, कभी राधा जी के साथ, कभी रुक्मणी जी के साथ, उनके जीवन काल की जो लीलाएं थी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा रहे थे। और ये था लाइट एंड फाउंटेन शो, जो बहुत ही सुंदर था। एक तरफ कृष्ण जी की जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था वो झांकियाँ थी, ये 10% भी खूबसूरती कैप्चर नहीं हुई है कैमरा में। अगर आप वृंदावन कभी भी जाएं तो प्लीज़ प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। इस झांकी में श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए सारे गाँव वालों को उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा किया हुआ है, बहुत ही सुंदर झांकी है ये। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ लीला करते हुए, डांस करते हुए, अगर आप देखेंगे तो ये सारी मूर्तियाँ मूव हो रही हैं, घूम रही हैं, इतना सुंदर लगता है ये सब देखने में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाके शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो मैं अंदर से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने जो भी शूट किया, बाहर से शूट किया, वो भी बहुत ज़्यादा कोई शूट नहीं किया, मैंने देखने में ज़्यादा इन्जॉय किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो, बाय बाय, एन्जॉय।